बलबीर सिंह राजेवाल ने संबोधन होंगे कह के रोजू साहब मेरी बनी झाक जी तू गल करता मैं तेनों जवाब दिना वो भलिया मान साहब तू कहना कि नरेंद्र मोदी के कण से जू नहीं सरकती तू जू नहीं सरकती नरेंद्र मोदी से तो जूं पैदा जूआ टिकन नहीं दिदियाँ जिड़िया जूं पैगियां खुड़क लड़ती है वो बेचैन होया बैठे तो नो गल कहते जो जूं है ये जूं अगले दिनों अपना रंग दिखाएंगे जो 2 मई को रिजल्ट आ गया खमियाजा तो फिर भुगतने लिए तैयार होना पड़ेगा सरकार को सज़ा दी जा रही है पंजाब में पंजाब के नितकरा किया जा रहा है दगा किया जा रहा है और दुश्मनी पकाई जा रही है। अणखीला पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का प्रोग्राम प्राइम टाइम विद बखतौर ढिल्लों के मैं दलबीर बराड़ स्वागत करता जी तो साढ़े नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार बखतौर सिंह जी ढिल्लों ढिल्लों साहब स्वागत है जी प्रोग्राम के। शुक्रिया जी। ढिल्लों साहब किसान किसान मोर्चा किसान मोर्चे दे विच किसान वालों बीजेपी आगुआ का पुरजोर विरोध आने वाले समय किहो जिहा रुख अख्तियार कर सकता। देखो निशा मीह पे दिया निशानियां डड्डू देन दे जी मीह पैन तो पहला भी डड्डू बोलते हैं तो जो मीह पै जाता भरपूर मीह पैंदा तो फिर डड्डू बोलते हैं जी। किसान अंदोलन आप स्थिति नाल जोड़ के देख सकते हैं जी। इस वेले किसान अंदोलन अपनी चरम सीमा ते है। देश के प्रधानमंत्री अणगौलिया करी जांदे जी। 11वीं मीटिंग जिहड़ी होई सी उस मीटिंग तो बाद किसानां दे नाल कोई मीटिंग नहीं जी। किसान वख वख वार्डरां दे उत्ते बैठे है जी। भारतीय जनता पार्टी के लीडरां वल्लों उन्हां नूं उत्तेजित किया जा रहा है जी। उन्हां नूं चिढ़ाया जा रहा है कि उन्हां दे नाल जिहड़ा हैगा बुरा सलूक किया जाता है। नतीजा दा ये है कि किसान जिहड़े हैगे आ होर ज़्यादा जिहड़े वो गर्मी च आ गए जी। एक स्टेज हुंदी है बंदे दी किसी दी वी परख दी घड़ी हुंदी है। किसान एक अजिहा भाईचारा है जिहड़ा सरहदां दी राखी भी करदा है जिहड़ा खेतां दी राखी भी करदा है जिहड़ा जे उहनूं तुसीं सत्कार दिओ उहनूं प्यार दिओ ते भावें उहदा सिर वढ लो लेकिन जे तुसीं उहदी गैरत नूं बिगाड़ो तां टै नहीं करदा जी। तुसीं याद करो कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली सी उस ट्रैक्टर रैली तो पहला किसानां दा सब तो वड्डा जिहड़ा हैगा सेंटर उह सिंघू वार्डर सी जी। लीडरशिप जिहड़ी है पंजाब दे कोले सी पंजाब दीआं 32 जथेबंदियां 32 जथेबंदियां दे आपस में भावें सिंघ नहीं मिलते लेकिन किसानी नाल संबंधित 3 काले कानूनां ते MSP नूं लै के वह सारे दे सारे एक मुठ है जी। वो एक सांझा प्रोग्राम उलीकदे है अलग अलग आपदे प्रोग्राम भी उलीकदे है लेकिन जिहड़ा सांझा प्रोग्राम उलीकिया जाता है उस प्रोग्राम दे उत्ते सारे लोग फुल चढ़ाउंदे है जी। कई बार थोड़ी बहुत ही डिसिपलिन की इधर उधर गल हो जाती है कुछ लोग ऐ नू हो गए कुछ ऐ नू हो गए कदे ना कदे क्योंकि जिथे तुहाडी तार खड़कदी है जी जिहड़ी तुहाडी युद्ध नीति है तुसीं उस युद्ध नीति नू भावें जिन्ना मर्जी है पासे रख दिओ कदे ना कदे तुहाडे उह जमारदी है जी। भाई तू अपना स्टैंड क्यों छड्ड गया वह गल्लां हुंदियां रहिंदियां डिसिपलिन की उलंघना हुंदी रहिंदी है लेकिन जे टोटैलिटी दे विच देखीए आपां समुचता दे विच देखीए तां उह पंजाब दी लीडरशिप दे कोले इक अजिहा विजन है कि उह सारे दे सारे मिल के चलदी है जी। 26 जनवरी तो पहलां कमांड साढ़े कोले सी अज भी कमांड भावें साढ़े कोल खुशी नहीं लेकिन एक गल आपां नूं मननी पैणी है कि 26 जनवरी नूं जो घटनाक्रम लाल किले वाला होया जी ते लाल किले वाले घटनाक्रम तो बाद फिर जिहड़ा हैगा 27 ते 28 जनवरी नूं जो कुछ सिंघू वार्डर ते होया जी भारतीय जनता पार्टी दे कुछ मुस्टंडे वो डांगा सोटे लैके पहुँच गए RSS दे लोग पहुँच गए नाल उहनां दे पुलिस हो गई UP दी पुलिस भी होगी हरियाणे दी भी होगी ते दिल्ली दी भी होगी 3 राज्यां दी पुलिस होगी जी। जाके राकेश टकैत नूं कह दिता गाजीपुर बॉर्डर ते खड़ा होई तैनूं असीं गिरफ्तार करन वास्ते आए हां जी। उह कहिंदा वी मैं गिरफ्तारी नहीं देनी क्योंकि मेरे लोकां दे उत्ते बाद दे विच तशद्दुद होणे जी मैं इत्थे ही मर जूंगा मैं अपना प्राण त्याग दूंगा लेकिन मैं तुहाडे नाल नहीं जाऊंगा जी। ते फिर हुंदा की है उह इक भावक अपील करदा है उह गल करदा ते गल करदा करदा उहदे हंझू निकल पैंदे है जी। उन्हां हंझुआं दा असर यह होया कि राते रात पछमी उत्तर प्रदेश ते हरियाणा अग बबूला हो उठे जी। वड्डियां वड्डियां मीटिंगां हो गईयां पंचायतां जुड़ पईयां ते दिन चढ़दे नूं सारे दे सारे लोग जिहड़े हैगे अपने अपने वाहन लै के पहुँच गए सिंघू वाले बॉर्डर ते कोई पानी दा मटका चक्की फिरदा कोई कुछ चक्की फिरदा कोई चक्की फिरदा
साडा जिहड़ा हैगा सिंघू बार्डर वाला मोर्चा जिहड़ा उस वेले पस्त हिम्मत हो गया सी, लगभग सारे ही लीडरशिप है जिहड़ी उपरों भावें जो मर्जी है कही जाण, असीं भी कही जांदे सी कि जिहड़ा ये अंदोलन डिगे ना, पर अंदर खाते उन्हां दा दिल टुट गया सी। उन्हां नूं ये भासर गया सी कि जो कुछ नरेंद्र मोदी कहिंदा सी कि ये खालिस्तानियां दा अंदोलन है, ये माओवादियों का अंदोलन है, ये शहरी नक्सलवाड़ियों का अंदोलन है, ये गुंडे है, ये अंदोलन जीवी है, तो सब तो भयानक जी गाल कढ़ी सी कि ये परजीवी है। परजीवी कौन होंगे? परजीवी होंगे गंदगियां नालियां के गंदे कीड़े, गंद खाने वाले लोग। जो अन्नदाते की इस तरह की तुलना होनी शुरू हो जाए तो उधरों साढ़े आपदे बंदे कुछ गड़बड़ कर दें तो फिर कुदरती है कि किसान लीडरशिप है जी पस्त हिम्मत हो गई, वो हौसले टुट गए जी। लेकिन हरियाणे दे विचों ते पछमी उत्तर प्रदेश दे विचों जिहड़ा हुलारा मिलिया, उस हुलारी दी वजह कारण अंदोलन फिर खड़ा हो गया जी। लेकिन फर्क एक पिया कि सब तो वड्डा लीडर जे कोई बन के उभरिया तो उहदा नाम राकेश टिकैत जी। वो पंजाब दे 32 लीडरां दी बजाए, पंजाब दे 32 लीडरां दी जिहड़ी इकमुठता है उहदी बजाए उहदा कल्ले दा राते रात कदमुत एडा वड्डा वध गया कि वह सब तो उपरा इस वेले। और इहदा वधन दा कारण भी है क्योंकि उहदे भाईचारे दे लोकां ने, वो जिहड़े किसानां ने, वह चाहे पछमी उत्तर प्रदेश के चाहे हरियाणे के लोग, कंध बढ़ के उहदे नाल खड़ गए जी। साडी हालत की है? साडी तां हालत यह है कि असीं एक दूजे नूं धूकड़ी सकरन दे उत्ते लगे पए जी। मसला उठ खड़ता तो मसले के मामले के उत्ते ही बहसा होनिया शुरू हो जाएं जी। लड़ाई केंद्र के खिलाफ है तो लड़ाई असीं अपने घर के पा लैने। साडी हालत इस करके इस वेले राकेश टिकैत सब तो उत्ते है। हुण तुसीं देखो कि राकेश टिकैत जिधर नूं जांदा है जी, विरोध राकेश टिकैत दा हुंदा है जी। बंगाल दे विच गए सीगे सारे किसान आगू, डकैत भी गया सी, साडे वाले भी गए सी। उत्थे दस्सिया बलबीर सिंह राजेवाल ने कहता साडे तां कोई किसी नाल जान पछाण ही नहीं सी, असीं तां किराए दे 2-3 ट्रैक्टर लए सी कि रैली रूली करांगे। लेकिन जदों असीं लोकां नूं इक चिट्ठी कढ के पहलां चिट्ठियां भेजतियां सी, गड्डियां भेजतियां सी कि चिट्ठियां बढ़ दिओ लोकां नूं कि भाई ये काले कानून बना रहे हैं कारपोरेट घराणियां नूं देश की प्रभु सत्ता सौंपना से जी। प्रभु सत्ता जिहड़ी कहदे च मैं कहूँगा प्रभु सत्ता आर्थिकता दे विच है। जो सारी आर्थिकता से खेतीबाड़ी आर्थिकता से कारपोरेट घराने का कब्जा हो जाए तो फिर कस्यारे बन जाएंगे किसान, चले किसान ही कस्यारे बन जाएंगे। सगों जे कानून दूजा बनाया है जिहड़ा जरूरी वस्तुओं वाला एक्ट है उन्हें खत्म किया है, वो जखीरेबाजी करन दा लोगों को मौका मिल जाना, जखीरेबाजा व्यापारियों और उन्होंने फिर लोगों की बहुत व्डे पद्धर के उत्ते लुट सुट करनी है। ये गल बंगाली पंजाबियों के नाल उत्ते जी ना समझदे, क्योंकि बंगालियों बारे समझा जाता है, पंजाबियों बारे समझा जाता कि बाहुबली है जी, टक्कर हो जाए तो गलासिया नाल सिर वढ़न दे। लेकिन ये सोचते मगरों है आपका सारा कुछ नुकसान कर करा के वो तो बाद सोचते हैं। बंगाली जिहड़े हैगे कुछ करन तो पहला सोचते हैं, तो बंगालियों ने सोचा वो कहिंदे सानू हैरानी हुई बलबीर सिंह राजेवाल कहिंदा भी लखां दी तादाद दे विच लोग साडे मगर तुर पे। उन्होंने उत्साह दिता और गरंटी नाल कहिंदे मैं कल दी रैली उहदी जिहड़ी होई आ वोहर उस रैली दी पूरी तकरीर सुनी, गरंटी नाल कहिंदा कि असीं ये जिहड़ी आ बंगाल दे विच जिहड़ी साडी उत्थे जाण दे नाल ममता बैनर्जी दी जिहड़ी अंदोलन अपनी मूवमेंट है उहने इन्ना हुलारा फड़िया कि उत्थे नरेंद्र मोदी की पार्टी की हार यकीनी है जी। फिर वो कहिंदा असीं किसे थां होर गए, शायद उड़ीसा च गए सी, उड़ीसा दे विच कुछ मुछटंडे उत्थे आ गए त्रिमिट लै के, वो आके इन्हां दा विरोध करदे सी। लेकिन साडे भाईचारे दे लोग भी पहुँच गए, पंजाबी सीगे उत्थे जी, वह भी आ गए अगों, तो उन्होंने चंगी तरह उन्होंने इहो जिहा सबक सिखाया कि मुड़ के वो कोई ना लैण नूं तैयार नहीं जी। लेकिन तुसीं देखो कि राकेश टिकैत भावें बंगाल दे विच जांदा है, चाहे उड़ीसा दे विच जांदा है, चाहे वह राजस्थान दे विच जांदा है, चाहे वह कर्नाटका दे विच जांदा है, जिथे कितें भी जांदा, जिथे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है जां उन्हां दीआं सरकारां, उत्थे उहदा विरोध हुंदा है जी। कल्ला विरोध नहीं हुंदा, हुण तक उहदे ते कई परचे हो चुके है जी। राजस्थान दे विच देखिए तां 2 थावां दे उत्ते उहदे ते अटैक भी हो चुका है जी, पहलां भी उहदे ते अटैक हो चुके है। उस हमले जिहड़े हुंदे, हमले करन वाले कौन है, शनाख्त हो जांदी है कि RSS ते BJP दे बंदे। इस चीज़ ने भी किसानां नूं उत्तेजित कीता है। फिर कुछ अजिहियां घटनावां वापरदियां हरियाणे दे विच, आपां देखिए हरियाणे दे विच जदों बेवसाई दा मता आया सी इहदे खिलाफ मनोहर लाल खट्टर दे जी, तां किसान आगूआं ने बेनती कीती सी सारियां पार्टियां नूं कि तुसीं इस मते दा जिहड़ी हमायत करो ते इहदे खिलाफ भुगतो। MLA नूं कहा सी कि तुसीं इहदे खिलाफ भुगतो तां कि मनोहर लाल खट्टर दी सरकार डिग पे। जे इक सरकार किसानी अंदोलन नाल डिगदी है तां इहदे नाल अमित शाह ते नरेंद्र मोदी दा ये दिमाग दीआं जिहड़ियां बंद खिड़कियां खुल जाणगियां। उहनां नूं पता लग जाणा कि कारपोरेट घराणे तुहानूं माया दे गफ्फे तां दे सकदे है लेकिन वोटां नहीं दे सकते, वोटां इन्हां लोकां दे कोल है। ये सरकारां जे बनाउण जाणदे तां डिगण भी जाणदे है, ये प्रभावित हो जाणा चाहीदा। लेकिन बदकिस्मती उहनां दी कि जिहड़े JJP दे विधायक सी उह भी उहनां दे हक भुगत के सारे
जिहड़े भारतीय जनता पार्टी वाले तो भुगतना ही भुगतना सी, कुछ आजाद भी उन्होंने हक भुगत गई। लो जी फिर हरियाणे के किसान ने ले लिया फैसला, फैसला लैके उन्होंने कहता लो तुहाडे ते हैगी आ पाबंदी, हुण तुहानू असी ना पिंडां च वड़न देंगे ते ना वड़न देंगे शहरां च, तुहाडा समाजिक वाइकाट है जिथे कितें आऊंगे असी विरोध करांगे जी। और पिंडां दे बाहर तो बोर्ड लिख लिख के लाते कि तुसी ना आयो, ते हुण होया की कि डिप्टी मुख्यमंत्री उत्थों दा मुख्यमंत्री जिथे कितें जांदे है जदों पता लगता कि उन्होंने उडन कटोला आ के इत्थे उतरूगा हैलीकाप्टर, उदों ही लोग उस जगह नूं जाके घेर लैंदे, घेर के जाके कहिंदे नहीं उतरदे दे आओ उतरो दिखाओ बनाउने इसनूं बदतरी, फिर की होंगे वो कहते कितने उतरते हैं कहते कितने उतरते हैं, वे वे जे उन्होंने वजीर है वे वे उन्होंने जे एम एल ए उन्होंने घर लोग घेरी बैठे। अजिहा चलद शनिवार के दिन जोड़ा मनोहर लाल खट्टर है वो अरुतक आया से, अरुतक क्यों आया से क्योंकि रुतक का एक एम एल ए है जिहदा नाम अरविंद शर्मा है, वह प्यो मर गया से जी, प्यो मर गया से तो वो प्यो की 17वीं सी, उस 17वीं शामिल होने वास्ते आ जिथे मनोहर लाल खट्टर के हैलीकॉप्टर ने उतरना सी कट्ठा होकर लोग ने लोगों ने उन्होंने घेरा पा लिया नहीं उतरन देंगे। हैलीकॉप्टर एक बारी दो बारी ट्राई की गल ना बनी, पुलिस ने डंडा चार्ज किया लाठी चार्ज किया, लोग भी ना कुछ गए, सवाल ही नहीं पैदा होंगे कहते शर्द की, तो नतीजा फिर की होया हैलीकॉप्टर की लैंडिंग का थां बदलना पड़ा कितने लैके गए, फिर उन्होंने पुलिस लाइन च उतारिया, पुलिस लाइन च उतार के वड्डी फोर्स के नाल पूरी सिक्योरिटी के नाल खट्टर साहब नूं एम पी साहब के घर लै गए, उन्हें अफसोस वगैरह प्रगट किया तो वापस आ गया। अगला प्रोग्राम सीगा जी उहदा एक किताब सिंह मलिक चंगे तकड़े लीडर होए हरियाणे दे, उन्हां दा पिंड अंबाली और दो वारी गुहाणा तो रहे एम एल ए, उन्हां दा उन्हां दी मौत हो गई सी, मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम उत्थे बन गया, कल उन्होंने उत्थे आउणा सी, उत्थे आउण दा प्रोग्राम बन गया जी, मैं आके उतरूँगा तो हैलीकॉप्टर से आना, किसानों फिर पता लग गया किसान फिर कट्ठे हो गए आ जाओ जी। फिर मनोहर लाल खट्टर की होया कि मनोहर लाल खट्टर ने अपने सारे प्रोग्राम मुलतवी करते जी, भारत के इतिहास के मैं कहूँगा कि यह पहला अंदोलन है जिस अंदोलन ने मुख्यमंत्री सारे के सारे प्रोग्राम रद्द करने लिए मजबूर कर दिता जी, तो मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी लिखती कि जिनी देर तक पिंड के लोग पिंडा के लोग सारे एक मुठ नहीं होंगे उन्नी देर तक मैं अपने सारे प्रोग्राम रद्द करता। वो कहिंदे कि किसान अंदोलन के नाँ थले विरोधी दलों वालों कुछ गड़बड़ की जाती है जी, और उस गड़बड़ के चलदियां लोगों को उकसाया जाता है, वो चलदियां जिहड़े हैगे आ साडी लॉ एंड आर्डर की पोजिशन खराब होंदी है जी। वो कहिंदे इहदे नाल जे कोई बंदे ने सानू विछोड़ा दिता है उहदा श्रद्धांजलि समागम है जिहड़ा उहदे च विघन पैंदा है, इस करके मैं अपने प्रोग्राम मुलतवी कर दिंदा। हुण इहनू तुसीं असीं इहनू कहांगे कि किसानां दा अंदोलन किड्डा ताकतवर है। कल अबोर रैली हुई, अबोर की रैली के किसान लीडर रुदू सिंह ने एक गल कहती कि 6 महीनों तो साडा अंदोलन चली जाता है लेकिन नरेंद्र मोदी आ देश का प्रधानमंत्री ये कन्न ते कहिंदे जूं नहीं सरकी, जदों वह बोल के हट गए तो बाद बारी आ गई बलबीर सिंह राजेवाल की। बलबीर सिंह राजेवाल ने संबोधन होंदे कह के रुदू साहब मेरे वनी झाक जिहड़ी तू गल करदा मैं तैनूं उहदा जवाब दिंदा, वह भलिया मानसा तू कहना कि नरेंद्र मोदी के कन्न ते जूं नहीं सरकदी, तू जू नहीं सरकती नरेंद्र मोदी से तो जूं पै गई, जूं टिकन नहीं दिंदा जिहड़ियां उहदे जूं पै गईआं खुरक लड़दी है वह बेचैन होया बैठा। इस अंदोलन ने किड्डी जिहड़ी हैगी है शक्ति हासिल कर ली, जिस अंदोलन नूं देश के वख वख हिस्सों के लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस अंदोलन नूं आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनेडा यूके इन्हां देशों दीआं पार्लीमेंटां दे विच डिस्कस किया जाता है, जिस अंदोलन के हक में अमरीका के बहुत सारे एम पी ए जो लिख के भेजते हैं, जिस अंदोलन में यू एन ओ का मनुखी अधिकार संगठन जो है वह नोटिस लैंदा है जी, जिस की गल यू एन ओ के पहुँचती है, इस अंदोलन तुसीं कहने भी अंदोलन मठा पै गया जां उहदे मूंह कन्न दे उत्ते जूं नहीं सरकदी तां उहदा जूआं पईआं पईआं, उह तां बेचैन होया बैठा है। ते नाल उह गल कहिंदे जिहड़ियां जूआं है ये जूआ अगले दिनों के अपना रंग दिखाउणगे, जदों 2 मई नूं रिजल्ट आ गए, रिजल्ट बंगाल का भी आना है तो रिजल्ट असाम का भी आना है, तो बलबीर सिंह राजेवाल की प्रेडिक्शन है कि दोनों थावां ते हार जाना है और इस हार का कारण जिहड़ा हैगा वह किसान अंदोलन बनना है। सो इस वेले दी जे असीं हालत देखी तो किसान अंदोलन ने किड्डी बड़ी आपां गल करके हटे हाँ तुहाडी इहदी अपने दी मनोहर लाल खट्टर दी के प्रोग्राम उहनूं अपना रद्द करना पै गया, पिछले दिनों के देखा होना तुम कि इन्हों का एम एल ए मलोट वो धूकड़ी सोई है, तो कल वो हल्के रैली हुई है जी,
अबोर दे विच्चों उन्हें चौधरी सुनील जाखड़ नूं हराया सी ते कल वाली जिहड़ी रैली है वह महारैली सी उस रैली दे विच ललकारे मारे लोगों ने उन्होंने कहा भी असीं तां तेरे घरे आ गए एम एल ए साहब तुसीं सानूं कहिंदे सी सब कुछ कौन हुण पता ये लगे कि एम एल ए दे नाल जिहड़ी बदतमीजी हुई असीं बदतमीजी दे हक विच नहीं असीं इहदी निखेधी करदे हां वायलेंस का जे कोई थोनू कोई उकसाउंदा भारतीय जनता पार्टी के लीडर उकसाउंदे आ के किसानों चाहिए कि उन्होंने उकसावे ना आने जबत के रहन वो अपना अंदोलन ना छोड़न पर उत्थे उन्हें किया कीता की सी जो किसान विरोध करते नारे लाते हालांकि विधायक वो साऊ मनिया गया पर मैं तकरीरों के कल सुन रहा किसान लीडर कह रहा है कि साडे जिहड़े हैगे वर्कर जां साडे जिहड़े नौजवान उत्तेजित क्यों हुए वो इस करके उत्तेजित हो गए क्योंकि उन्हें उन्होंने चुनौती दी सी ते चुनौती भी एडे भद्दे ढंग नाल जिसका मैनू तो घट्टो घट शर्म आती है भी इतने करिए एक बार तो याद होना है पार्लीमेंट के राहुल गांधी बोलिया राहुल गांधी ने उन्होंने लगे कि मैं बहुत वधिया बोलिया तो बोलने तो बाद आके जो बैठे अपनी बेंच के उत्ते बैठन लग्या नाल बैठा सी ज्योतिरादित्य सिंधिया जिहड़ा मित्र से उन्होंने बापूआं की भी जारी सी उन्हां दी भी जारी सी वक्री गल है कि वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकया तो गुस्से होकर भारतीय जनता पार्टी चला गया पर उदों उहदी सज्जी बांह सी वह सज्जी बांह गिणी झाक के उन्हें अखदा इशारा किया जिन्हों असी साड़ी सभ्यक भाषा के नहीं कहते इवें जिमें जे असी पिंडा दे विच होईए पिंडा दे विच कोई तुहानू चुनौती दिंदा है माड़ा जिहा कोई अपना कपड़ा चक लवे तो कपड़े चकन का अर्थ की हुंदा है गाटा ओ पे ये कहिंदे जिहड़े एम एल ए साहब ने भी आके कुर्ता चक्या सी अच्छा जो तो कुर्ता चक्या तो फिर उन्होंने जवाब जिहड़ा हैगा जिहड़े जट दिंदे उन्होंने उन्हें उस भाषा के जवाब दिता और इहदा नतीजा की होया कि हर थां दे उत्ते इहदे तों जिहड़ी हैगी रौला पाता गवर्नर कोल चलेगी बीजेपी की लीडरशिप बीजेपी की लीडरशिप ने अखबारों के हो हल्ला मचाता देखो जी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पछड़ाता इन्हों ये साढ़े गल पेंदे ये तो जी गुंडे है लगाड़े थां थां गुंडे लगाड़े कहें सब तो साऊ बंदा मनिया गया तीन मैंबरी कमेटी जी गल करती सी किसानां दे नाल नरेंद्र सिंह तोमर सी खेतीबाड़ी मंत्री है नाल पीयूष गोयल लेकिन सब तो पावरफुल बंदा पीयूष गोयल है क्योंकि इहदा बाप किसी जमाने के भारतीय जनता पार्टी का खजानची रहा कारपोरेट घराणे दे नाल सांझ प्रमोद महाजन तो बाद भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप नाल पवाउण वाला वह बंदा है तो एक हैगा जी अपना फिर हुण अजकल वो कमर्स का व्यापार का सारे कासे का मंत्री है रेलों का मंत्री है पावरफुल बंदा है नरेंद्र मोदी का खासल खास है नरेंद्र मोदी के वलों ही वह हुक्म दिता है इन्हों नरेंद्र सिंह तोमर न तीजा बंदा सोम प्रकाश है रिटायर सबका IAS है साढ़े पंजाब का रहने वाला है वह हुशियारपुर तो MP है वह साऊ बंदा जो भी कितने माड़ी मोटी इन्हें कशमकश हूँ किसान किसान लीडरशिप के वजीर वो बिच विचाला पैंता कई बार बेचारा मिंत्रला भी कर लग जाता वो कल आया हुशियारपुर हुशियारपुर आया अपनी पार्टी के दफ्तर के उत्थे मीटिंग करनी सी किसानों पता लग गया जी पै गए किसान गड्डिया का काफिला निकल गया कुछ एक ने थोड़े बहुत मतलब हमला करने की कोशिश भी की लेकिन हमला नहीं होया वो दफ्तर बह गया तो किसान उत्थे पहुँच गए कई घंटे तक उन्होंने अपनी मर्जी के उल्ट अपने दफ्तर के कैद होकर रहना पै गया जी उस तो बाद एक होर लीडर है जिन्हें उस लीडर का नाम हैगा इकबाल सिंह लालपुरा जी इकबाल सिंह लालपुरा SSP रहा एक दो जिले का इंटैलीजेंस का भी वड्डा अफसर रहा आपदे जमाने दे विच वो प्रकाश सिंह बादल का भी बड़ा खासल खास रहा है लेकिन अजकल वो भारतीय जनता पार्टी है कल रूपनगर वो भी चला गया वो रविदास मंदिर दे विच चला गया तो रविदास मंदिर दे विच जाके कहिंदे जी मैं तो कोई मीटिंग करवाउणा आया लेकिन किसानों का कहना सी कि हुण इह जाति पत्ता भी खेडण लग गए जी एक किसानी का दलित भाईचारे का आपस में रौला पवाउण वास्ते हुण उन्हां दे विच पाटक पाउण लग गए किसान उत्थे पहुँच गए हालत उहदी हैगी कि फिर उन्हूं भी घेरा पए हुण तुसीं देखो कि किसी भी थां ते है जिन्नी इह सख्ती कर रहे है जिन्ना इह उन्हूं इगनोर कर रहे है जिन्ना इह उन्हां नूं बदनाम कर रहे है जिन्नियां उन्हां नूं चुनौतियां दे रहे है किसान उदों वध जिहड़े हैगे है तिखे रूप दे विच सामने आउंदे है ते मेरा ख्याल दलवीर जी इतों वड्डी तां कोई घटना नहीं हो सकती कि एक मुख्यमंत्री अपने प्रोग्राम ही मुलतवी करने पै जाए जी तो कल फिर रोहतक के किसान जिहड़े हरियाणे के किसानों की लीडर अपनी मीटिंग हुई उस मीटिंग दे विच उन्होंने कह दिता साफ कि तुहाडा कीता होया बाईकाट तुहाडे विचरण दे उत्ते लाई हुई है पाबंदी चुप करके आपो अपने दफ्तरां च बैठे रहो आपदे चंडीगढ़ बैठे रहो बाहर निकलोगे तो सलूक बुरा होगा आपके प्रोग्राम सारे रद्द कर दिओ लेकिन उन्होंने अल्टीमेटम देने तो पहले ही उन्होंने अपने प्रोग्राम रद्द कर दिए हुण अगला प्रोग्राम की होना ये संबंध में 6 तारीख को 6 तारीख को 6 अप्रैल कल ही आती है कल जिहड़ा हैगा संयुक्त किसान मोर्चा उहदी मीटिंग होनी है और उस मीटिंग दे विच अगले प्रोग्राम लीके जाएंगे सो आपां कह सकते हैं कि इस वेले किसान अंदोलन ने किसानां दे रोह ने
भारतीय जनता पार्टी के लीडर का सारे देश के दे मतलब समुचे तौर पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने नातों की नींद हराम हुई है, लेकिन पंजाब दे विच उन्हां दा जिउणा दुब्बर कीता होया ते इह जिहड़ा अंदोलन है ये अंदोलन सोचदे सी कि आम तौर उत्ते हुंदी है सरकारां दी प्रशासन दी सिस्टम दी एस्टैबलिशमेंट दी इह सोच हुंदी है कि जो किसी अंदोलन नूं मारना होवे किसी मूवमेंट नूं मारना होवे इहनूं लमका दिओ जी। पर उन्हां नूं इह नहीं पता कि थोड़ा वाह कीदे नाल पै गया, वाह तां पै गया जट बाबिआं नाल जी। उह जिन्ना अंदोलन नूं लमकाई जांदे अंदोलन ओडा तिखा हो जांदा, क्योंकि इहो जिहा अंदोलन तां कदे देखिआ नहीं सी कि लोक तां गए सी प्रोटेस्ट करन वास्ते दिल्ली, रोक लिया वह कहिंदे घर पा के इत्थे बैठांगे, वह घर पा के बह गए उत्थे, वह छड्डण नूं तैयार नहीं। स्थानक लोगों के नाल उन्हां दा मेल मिलाप किन्ना वड्डा होया वै, इह तां तुसीं इह देखो कि जो अखबारां वाले जांदे, हालांकि प्रचार बारे कीता जांदा है कि लोग जी उन्हां दे उल्ट है, लोग कहिंदे वी इदू वधिया देवते तां साडे कोले आउंदे नहीं, साडी तां सिक्योरिटी दा इंतजाम भी इन्हां ने कीता होया जी। एक बीबी ने पटीशन पाती सुप्रीम कोर्ट दे विच, कहिंदी जी मैं जे सीधे रस्ते आंदी सी मैं 20 मिंटां च अपने कारोबार ते चली जांदी सी, हुण कहिंदी क्योंकि किसानां ने पाबंदी लाई हुई है ते मैनूं 2 घंटां दा रस्ता हुंदा है, इन्हां नूं हटाओ इत्थे, किसानां दा जिहड़ा जिहड़े जाम कीता होया इहनूं चुकवाओ। फिर अखबारां वाले चले गए स्थानक लोकां कोले भी तुसीं दसो तुहाडा की कहना, कहिंदे जी जे 3 घंटे लगन सानूं तां 3 घंटे भी दुखदे नहीं, घट्टो घट्ट ये लोग साडी खातरी लड़ रहे हैं, क्योंकि किसान अंदोलन ने जिहड़ी एक लोगों नूं चलो एक अंदोलन चलाउंदे आप दी खातर, एक लोगों नूं जागरूक करन वास्ते जिहड़ी जागृति मुहिम है उहनां दी, जिवें उह दसदे आ कि जिहड़ा तुहाडा जरूरी वस्तां वाला एक्ट खत्म करता इहदे राहीं इह जखीरेबाजी करनगे, साडे जिहड़े हैगे कंट्रैक्ट फार्मिंग दा सिलसिला कर लिया, खेतीबाड़ी दी उपज सारी इहनां दे कोले चली जाऊगी, इन्हां ने दीआं मंडियां इन्हां ने खरीदना, इन्हां ने पैदा करवाउणा, इन्हां ने बेचना, इन्हां ने जमा करना, तो फिर तो आपकी मर्जी नाल बेचणगे, फिर तुहाडा जिउणा हराम हो जू। इस करके सारे दे सारे लोग इस वेले उन्हां दे नाल लगे हुए है, और इहदा जिहड़ा हैगा सिखर वो आपां देखांगे 2 मई नूं जदों इलैक्शन दे रिजल्ट आउंदे कि 5 राज्यां दे चोणां दे विच्चों भारतीय जनता पार्टी जितदी किन्ने थावां ते है ते मूंह दे मूंह किन्ने थावां ते डिगदी है जी। ढिल्लों साहब एक गल होर तुहाडे इस विश्लेषण तों बाद सवाल बन के उभरदी है कि नीति घाड़े समय दीआं सरकारां नीति बना के उहनूं लागू भी करदीआं ने, अगे वाढी दा समां जिहड़ा हैगा उह लगभग शुरू हो चुक्या ते केंद्र दी ते साडी पंजाब दी सरकार आ जिहड़ी उह सिद्धी अदायगी दे संबंध विच फिर एक वारी केंद्र सबक सिखाउण दी कोशिश कर रहे आ, किसानां दा इहदे विच आउण वाले समें दे विच किहो जिहा रोह नज़र आउंदा? तो देखो किसान तां इस गल तों दुखी है, सिद्धी अदायगी क्यों हो रही है? सिद्धी अदायगी पहली वार नहीं हो रही, ये तो असल दे विच WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन जिहड़ियां उहदियां शर्तां दे विच ये पाबंदी लाई हुई सी कि जिहड़ी है सरकारां हुण सरकारां दा कम नहीं इस किस्म दा कि फसलां खरीदन तुसीं निकलो इहदे चों जी, और ये चीज़ां सारियां कारपोरेट घराने दे हवाले कर दिओ। जदों डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुंदे सी, विरोधी धिर दी आगू हुंदी सी सुषमा स्वराज, उदों भी यह मामला आया सी जी, ते सुषमा स्वराज ने उस वेले पार्लीमेंट दे विच कहा सी कि श्रीमान जी आड़तियां दा ते किसानां दा जिहड़ा हैगा 9 मास दा रिश्ता है, इस रिश्ते नूं ना तोड़ो। तो उन्हें इतों तक कह दिता सी कि साढ़े ATM तो वेले वेले बंद हो जाते हैं, सिस्टम फेल हो जाता है, किसानों का जिहड़ा ATM है वह आड़ती है, तुसीं आड़तियां नालों अलग इन्हां नूं ना करो जी, क्योंकि आड़तियां नूं भी इस गल की भिणक लग गई है कि जे किसानां दी खेतीबाड़ी उन्हां दे कंट्रोल चली गई, जे मंडी सिस्टम जिहड़ा हैगा खत्म हो गया और कारपोरेट घराने ने सारा कुछ संभाल लेना है, तो फिर आड़तियां भी बेकार हो जाएंगे, उन्हां दा कारोबार भी खत्म हो जू। चलो तो सियाने बंदे कारोबारी है व्यापारी है वह कोई आपका होर कारोबार तोड़ लेंगे, किसान बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, लेकिन जो तुहानू अपना कारोबार छड़ के कोई नवा कारोबार अडोप्ट करना पैदा नवा कारोबार अपना पैदा है उस वेले भी तुहाडा बुरा हाल हो जाता है, तुहानू नवा कारोबार शुरू करने वास्ते नवा व्यापार शुरू करने वास्ते जिहड़ी तुहाडी स्किल है स्किल भावें तुहाडे कोल हुंदी है लेकिन मौके नहीं कई बार तुहाडा साथ दिंदे, हालात जिहड़े हैगे उह हेठां उत्ते हो जाते हैं, इस करके वह भी उहदा विरोध कर रहे हैं। इस मामले में जो आप कही तो यह असल दे विच पंजाब दी सरकार नूं टारगेट किया जा रहा है जी, पंजाब दी सरकार नूं तां टारगेट किया जा रहा है कि पंजाब दी सरकार जिहड़ी हैगी है किसान अंदोलन दे नाल खड़ी है जी, ते इहदे नाल जिहड़ा हैगा सज़ा दित्ती जा रही है पंजाब दे किसानां नूं पंजाब दे आड़तियां नूं जी, ते जे समुचे रूप दे विच आपां देखिए तां पंजाब नूं सज़ा देण वास्ते इस किस्म दा प्रबंध किया गया जी, और इहदा विरोध होया बड़े वड्डे पद्धर ते किसानां ने अपने थां ते विरोध किया, पंजाब दी सरकार ने तां रिफ्यूज़ कर दिता, उन्होंने कहा जी मुलतवी करो इस मामले नूं, असी जिहड़ी हैगी है तुहाडी जिहड़ी हैगी है फसल दी अदायगी जिहड़ी है उहदे जिहड़ी है सिद्धी अदायगी वाली गल नूं नहीं मन्नांगे, असी तां थ्रू आड़तिया सिस्टम दे विच ही रहांगे, असी कणक खरीदांगे 10 तारीख तों उन्होंने कणक खरीदनी है, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट भेज दिता चिट्ठियां लिखतियां,
अगे मर्जी है सरकार की कि सरकार ने करना की है, लेकिन यह सरकार जी है ना ये पुठपैरी सरकार है जी, ये पुठे राह पैगी। आम तौर पर कहते हैं जो गिदड़ के दिन माड़े होंगे है तो गिदड़ शहर तो पिंड वालू भाई लाए जी, पिंड पता कुतीड़ भी बहुत होंगी है जी, तो कई बार शकीन बंदे भी होंगे भी गिदड़ चंगा पलिया वै तो फिर अपनी जी है स्वाद भी पूरा कर लेंगे। वो हालत इस वे हुई है किसान जी असं अन्नदाता कहने तो जी अन्नदाते अन्नदाते मतलब जो है तब्दील करो अन्नदाते एक नवे नवे लकवा के संबोधन होवो, अन्नदाते कदें अतवादी कहो कदें वक्खवादी कहो कदें शहरी नक्सलवाड़िया कहो, तो जो तुम अन्नदाते कहने कि ये परजीवी है ये नाली के गंदगी नालियाँ के गंदे कीड़े है तो उदू तो फिर समझ लो भी मेरा ख्याल है इन्हों की हालत गिदड़ तो भी भैड़ी है, ये बड़े पुट्ठे फासे पे हुए है पर ये टकराव हो रहा है, ये टकराव जो है सीधा पंजाब नाल हो रहा है पर पंजाब नाल टकराव हर हाकम नूं महंगा पे है। ये आप देखिए पहला बड़े बड़े हाकम हो रहे हैं जिन्हें पंजाब नाल पंगा लिया, पर क्योंकि पंजाब एक वो धरती है जिस धरती गुरुआं पीर की धरती कहा जाता है, इतने हर एक का भला सोचा जाता है जी, लेकिन जे इन्हों कोई बंदा उत्तेजित करता है तो वह फिर जवाब भी मिलता। तुम याद करो टाइम की साहब श्री गुरु तेग बहादुर का अपना प्रकाश उत्सव आ रहा है, वह मना जा रहे हैं पर जो असं गुरु तेग बहादुर का जिक्र करते हैं नाल दी नाल आए तो गुरु तेग बहादुर का तो कोई रौला ही नहीं सी, गुरु तेग बहादुर ने शहादत दी वो को बहरले लोग आए थे को गैर सिख लोग आए थे हिंदू आए थे कश्मीरी आए थे, कश्मीरी ने कहता जी सानू धक्के जरा है इस्लाम धर्म ग्रहण करने मजबूर किया जाता की है, तो उन्होंने कहा मैं कुरबानी दूँ, आप उन्होंने कुरबानी दी सी और आप कुरबानी दे के उन्होंने यही कदम कहा कि मेरा तुम बदला लो, आपके सिखा नहीं कहा मेरा बदला लो, मैं कुरबानी देती देती जिस धरती योजे गुरुआ पीर आशीर्वाद हो उस धरती के लोगों के नाल जो तुम ये ठीक है कमियां पेशियां साढ़े च भी रह जाती साड़ी लीडरशिप भी है, पर जे तुम उस उन्होंने सज़ा देने वास्ते तुर जाओ तुम उन्होंने सरहदा भी मरवाओ तुम उन्होंने खेतों के भी रोलो तुम एम एस पी का लारा दे के उन्होंने जोड़ा है वातावरण तुम पलीत कराओ वो जहर का छिड़काव कर लग जा जहर धरती के बीजन और उन्होंने हालत इन्नी भैड़ी हो जाए कि वह कैंसर वर्गे महामारी के रोगों का शिकार हो जाए तो फिर तुम उन्होंने तुम फिर दो लकब कि जी ये तो नालिया के गंदगी नालिया के गंदे कीड़े है वह खमैजा तो फिर भुगतने लिए तैयार होना पेगा सरकार को, एक सज़ा दी जा रही है पंजाब को, पंजाब के नाल वितकरा किया जा रहा है दगा किया जा रहा है और दुश्मनी पकाई जा रही है। ढिल्लों साहब पंजाब के किसान मोर्चे तो बाद पंजाब के सियासी हल देखिए तो सियासी हालात के एक शख्स नवजोत सिंह सिद्धू का भविख भी दाते लग्या होया, इस नवजोत सिंह सिद्धू के भविख में लैके या जो वो अपनी गलबात कर रहा आने वाले समय के स्टैबलिश होने दोबारा किधर नूं रुख अख्तियार कर रहे हैं? देखो भविख दाते लगने वाली नहीं गल आप कह सकते क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक सैलीब्रिटी है जी, वो क्रिकेट का एक वड्डा खिडारी रह चुका है जी, वो क्रिकेट का बहुत वड्डा कमेंटेटर है जी, उन्हों अगा तोरीए तो वह बंदा शहरो शहरी के भी महारत रखता है जी, और जे साडे रेडियो शो है टीवी शो है टीवी शोज के भी वह चंगा वड्डा नाम है जी, इस करके फ्यूचर तो सिक्योर ही है पर सियासी खेत्र के जी आमद है जी, उसनू देखने वाली गल है कि सियासी खेत्र के फ्यूचर की है जी, वो दाते नहीं लगे वह फ्यूचर की है जी। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी जी है राजनीतिक पारी की शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी तो जी, भारतीय जनता पार्टी के आके वह अमृतसर साहिब तो इलैक्शन लड़ते रहे पार्लीमेंट के कई बार वो पार्लीमेंट के मैंबर बने हैं जी, लेकिन 2017 दी चोणां तो पहला अकाली दल के नाल संबंधा लैके भारतीय जनता पार्टी दू उन्हें मतभेद आ गए जी, वैसे इन्होंने मतभेदों की जी है बुनियाद वो 2014 ही रखी गई सी जी, 2014 के जो नवजोत सिंह सिद्धू की बजाय अरुण जेटली अमृतसर तो आके चोन लड़ते तो उदो कहा गया से कि असल दे विच ये चोन जी है अकाली दल की दखलअंदाजी के नाल लड़ी गई है नवजो अपने अरुण जेटली वालों और नवजोत सिद्धू की टिकट कटाने वास्ते अकाली दल ने ही एक योजना बनाई सी उस योजना का नतीजा है जी, बाद भावें नवजोत सिंह सिद्धू नू नोमीनेट भी कर दिता सी राज्यसभा वास्ते लेकिन उन्हें वो भी छड़ती सी कि नहीं मैं इस किस्म की राजनीति नहीं करूँगा जी, फिर उन्हें एक अपना अलग ग्रुप बनाया सी 4 MLA का 2 MLA वो आप सी को एक प्रगट सिंह ते 2 सी वैंस भरा, चारों वालों उन्होंने पोस्टर वगैरह भी जारी किए सी, ये लगता सी कि वो अपनी कोई नवी पार्टी बनाएंगे
जी गलबात उन्होंने ये भी चलती सी कि आम आदमी पार्टी नाल भी गलबात कर ली जाए जी और आम आदमी पार्टी की मदद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का चीफ मिनिस्टर जिहड़ा बनाया जाए जी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लीडर है अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल जिहड़ा अपने आप को बहुत असुरक्षित समझने वाला बंदा है जी, वो कदे भी नहीं ये अलाउ करूँगा कि वो तो वड्डे कद काट वाला बंदा उसकी पार्टी च आ जाए जी। जे आपां अतीत विच देखिए तो अरविंद केजरीवाल ने जिहड़ी अपनी पार्टी के बंदे जिहड़े उन्होंने साथी उन्होंने नाल हुंदे सी उन्हां नूं भी बाहर का रस्ता दिखाउण दे उन्हां प्रबंध कर दिते सी, मिसाल के तौर पर जोगिंदर यादव देखिए, प्रशांत भूषण वगैरह देखिए। सो आम आदमी पार्टी के भी उन्होंने जान वाली कोई गल ना बनी, तो नतीजा यह होया कि उन्होंने दो साथी बैंस ब्रदर्स जी इन्होंने आम आदमी पार्टी के नाल चोण गठजोड़ कर लिया, तो वह दोनों भरा जिहड़े हैगे लुधियाने तो MLA बन गए जी, उधर चले गए। ये फिर करन ते करन के अखीर इन्होंने अपने जिहड़े संपर्क से उस नहरू गांधी फैमिली के नाल सी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी उन्होंने चलते हैं पंजाब दे विच आ गए। शुरू दे विच ये गल कही गई सी कि मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब दा डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जा सकदा है जी, क्योंकि 2017 दीआं चोणां तों पहलां कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंजाब दा मुख्यमंत्री दा अहुदा देण दा ऐलान राहुल गांधी ने आके पंजाब च ही करता सी जी। इस वास्ते मुख्यमंत्री तां बन नहीं सकना सी, डिप्टी मुख्यमंत्री दी गल बन गई सी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह भी खिडारी वड्डा है, उन्होंने इस गल का पता सी कि जे पहले दिन ही डिप्टी मुख्यमंत्री बनाता तो कल में मेरी कुर्सी वाल झाकूगा। नतीजा यह होया कि उन्हें उन्होंने लोकल बॉडीज महकमे फिट करके तो डिप्टी मुख्यमंत्री वाला राह बंद कर दिता। कशम कशम दोनों के संबंधा के उस वेले की चलती आती है जी। पिछले काफ़ी जी हैगी है भज दौड़ तो बाद सारा करद्या करवाद्या एक स्टेज आई जो मंत्रीमंडल के फेरबदल किया गया, तो नवजोत सिद्धू तो लोकल बॉडी भी ले ली, तो इन्हू देता सी बिजली महकमा, तो बिजली महकमा इन्हें जरा वह चार्ज नहीं लिया, रिजाइन देता, वह घर बैठा है काफ़ी समय तो घर बैठा है जी। वो अपने गाहे गाहे गलबात शहरों शहरी कर दिता है, ट्वीटा के राही अपनी राजनीति थोड़ा जहा अगे बढ़ा, तो लोगों को अचंभा लगे रहा कि हूँ नवजोत सिद्धू की करूँगा जी। अखीर कांग्रेस पार्टी का इंचार्ज बनाया गया अपने इन्हों हरीश रावत को, तो हरीश रावत तो बड़ा मजा होया बंदा है, उन्हें कोशिश की कि दोनों नेड़े कर दिता जाए, तो नेड़े करने उन्हें हालात नहीं बनाते जी। दो बार इकट्ठे हुए, एक बारी तो लंगर पानी की सांझ की, दूजी बारी कॉफी के कप के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिद्धू। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक TV चैनल के नाल गलबात करदे स्पष्ट कर दिता कि वह महकमा रिजर्व पे है, मैं तो वह महकमा छेड़े ही नहीं, वह महकमा उमें दा उमें पिया खाली पिया, जो मर्जी आए और वह बिजली मंत्री बन जाए जी। बिजली मंत्री वो नहीं बनना चाहता, इन हूँ इलेक्शन के रह गया 10 महीने पंजाब के, इन 10 महीनों के नवजोत सिंह सिद्धू करेगा की जी, की नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी बना के कामयाब हो सकता है जी, की नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी शामिल हो सकता, आम आदमी पार्टी ने कल फिर सद्दा दिता है जी। ये तो पहला भी मिस्टर जोगराज सिंह जिहड़े पंजाबी दे फिल्मां दे एक मन्ने होए चेहरे है जी, वो जोगराज सिंह हुरी अक्सर अजकल बोलते हैं किसान अंदोलन लैके, उन्होंने भी पिछले दिनों में एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहता कि नवजोत सिंह सिद्धू का मेरे नाल राबता बनया होया है और छेती ही वो कांग्रेस पार्टी तो बाहर आके कोई अपना घर बनाने बारे सोचूगा जी। लेकिन दलवीर जी समा रह गया बड़ा थोड़ा, 10 महीने के बीच की वो अपनी पार्टी बना लूगा जी। ये चलद कल नवजोत सिंह सिद्धू ने कल एक खबर आ गई परसों कि नवजोत सिंह सिद्धू अजक पटियाले अमृतसर की बजाए, क्योंकि पटियाला वह पछतैनी घर है, वो पिता जी पटियाले दे विच सरदार भगवंत सिंह वकालत करते रहे, चंगे वड्डा नाम से उन्होंने वकालत दे विच। 1980 जो दरबारा सिंह मिनिस्ट्री बनी है, तो उदो दरबारा सिंह ने उन्होंने अपना एडवोकेट जनरल भी नियुक्त कर लिया सी। सो अजकल मियाँ बीबी दोनों नवजोत होनी उत्थे रहिंदे आपदे घर दे विच, ते परसों आ गया कि जी उन्होंने अपने घर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं लैके अखबारी मीडिया सर्कल और राजनीतिक सर्कल के काफ़ी हलबली मच गई कि अज पता नहीं की पड़ाका पाऊगा नवजोत सिद्धू जी, क्योंकि नवजोत सिद्धू दीयां सरगर्मियां इस करके भी थोड़ा जा चौकसी नाल देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हां दा नां कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यां दे विच जिहड़ी चोण होनी है अजे दिन जां चोण हो रही है वो स्टार प्रचारकां दे विच पाया होया कि नवजोत सिंह सिद्धू आऊगा, लेकिन किते नहीं गया हाले तक, बार बार इहनूं कहा गया कि तुसीं आओ जी, इहनां दा प्रोग्राम भी बनाया गया, नहीं गया जी, ये अपने घर बैठा। इस करके जो कांग्रेस हाई कमांड चो जिथे इन्हों मदद मिलती है, इन्होंने उन्होंने गल भी इग्नोर कर दिता, तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़े बीते कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी गंभीरता ले गया कि शायद ये कोई वड्डा ऐलान करना
पर जिवें कहिंदे हुंदे पट्टिया पहाड़ ते निकली चूही जी। कल प्रैस कॉन्फ्रेंस हो गई ते प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हें आके कीता कि उन्हें आके सीधी नरेंद्र मोदी की सरकार नूं टारगेट किया जी। तो कहिंदे है कि जिहड़ी सिद्धी अदायगी है जिहदा आपां जिक्र कर चुके हैं, सिद्धी अदायगी जिहड़ी हैगी है पंजाब दे खेतीबाड़ी तंत्र नूं तबाह करन वाली है जी। ये पंजाब दे मंडी सिस्टम नूं तबाह करन वाली है जी। उन्होंने कहा कि 7-8 साल पहले एक सर्वेखण होया सी, उस सर्वेखण दे विच इह दिखाया गया सी कि 24% जिहड़ी खेती है ये बगैर लिखत पढ़त तो होंदी है, मतलब जमीन ठेके ते लै ली उहदी कोई लिखत नहीं पढ़त नहीं, वो इतवार के उत्ते होंगी है, एक दूजे के उत्ते विश्वास होंगे कि लै मैं तैनूं जमीन देती है भाई ठेके ते उन्हें पैसे दे दिते ते उन्हें आपदी फसल कर ली ते फसल पैदा करके ते उन्हें फसल अपनी बेच ली जी। वो कहिंदा वी हुण उह जिहड़ी हैगी आ वध के 24% तो जिहड़ी बगैर लिखत दे खेती वाली गिनती है वो 30% हो गई है जी। ते जे 30% हो गई है ते उह कहिंदा वी हुण जिहड़ी इहदे नाल सिद्धी अदायगी दे नाल जिहड़ी नवीं गल जोड़ी गई है कि तुहानूं अपनी खेतीबाड़ी दा अपनी जमीन दा हिसाब किताब देना पैणा है, तो 30% जिहड़ी हैगी है खेती वालिआं नूं जिहड़ी 30% जिहड़ी उपज होणी है उहनां नूं उहनां दी जिहड़ी कीमत मिलनी है जिहड़ी उहनां नूं आपां कहांगे अदायगी होणी है वह अदायगी नहीं होणी, तो इहदे इहदा वड्डा जिहड़ा हैगा सिस्टम है मंडी सिस्टम भी तबाह हो जूगा। आड़तियां वाली गल आपां कर चुके हां, कहिंदा वी 9 मास दा रिश्ता है, 100 साल पुराना सिस्टम है, इहनूं दुबारा क्यों परख्या जा रहा, इहनूं रहिण दिओ इसे तरह। यह गल करके फिर पत्रकारां ने पुछ लिया जी हुण तुहाडा अगला प्रोग्राम की है, वो कहिंदा अगला प्रोग्राम तो यह है कि मैनूं हर बंदे ने डिगण की कोशिश की सी, जिहड़ा बंदा मैनूं डिगण की कोशिश की वह आप ही डिग पिया। 16-17 सालों के ये हुंदा रहा, उत्थे उहदा इशारा सी कि मैनूं डिगण की कोशिश की आप डिग पे, वो डिगण वाले बंदे तो उहदा इशारा साफ यह सी कि अकाली दल वाले, क्योंकि अकाली दल वाले उहदा विरोध किया सी ते 2017 की चोण दे विच अकाली दल का जो बुरा हाल होया मेरा ख्याल उहदा इशारा इधर सी। लेकिन फिर उहनूं पुछया गया कि तुहाडी घर वापसी, वह कहिंदा मैं कांग्रेस पार्टी जी। फिर उन्होंने पूछा गया जी तुहाडा मंत्रीमंडल दे विच दाखला, तो उन्हें कहा अज की कड़ी दा एंड, वो दा एंड कह के उन्हें दो इशारे किए, एक तो भी अज की कड़ी तो मैंने कुछ नहीं मिले मैं उम्मीद उवें ही है, तो दूजी गल ये कि मैं कुछ बनना नहीं। सो नवजोत सिंह सिद्धू की जी है ना, नवजोत सिंह सिद्धू इस वे काफ़ी भंबड़ भूसे का शिकार है जी। जिहो जे भंबड़ भूसे का वह शिकार है, उहे जे भंबड़ भूसे का शिकार पंजाब का राजनीतिक जिहड़ा है मीडिया यदा माहौल है, क्योंकि बाहरी जी नवजोत सिद्धू की जो गल आ जाती है सैलीब्रिटी होने करके सारे भजदे, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू की करूँ। नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस पार्टी के हूँ कहना मैं पंजाब की सेवा करनी चाहना, मैं पंजाब का एक प्रोग्राम देना चाहना, जे पंजाब की तुम सेवा करनी चाहते हो कोई पंजाब का प्रोग्राम देना चाहते हो पंजाब के मकसद देना चाहते हो अपना एजेंडा लैके साफ आओ। जे कांग्रेस पार्टी एजेंडे कोई तरजीह नहीं दी जाती तो या तो चुप करके तुम बैठ जाओ, तो जे चुप करके नहीं बैठना फिर तुम अपना कोई अलग सिस्टम भी बना सकते हो अलग पार्टी भी बना सकते हो, पर अलग पार्टी बना के कामयाब होना नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे बंदे लई औखा है, क्योंकि ये लोग वो है जिहड़े जमीनी पद्धर से काम नहीं कर सकते, ये उपरले पासे मतलब जिहड़े हैगे भाषण कर सकते अपना प्रोग्राम दे सकते, जिहड़ी इन्हां दे कोले विद्वता हैगी है ये अपना विजन दे सकते है, क्योंकि जिहड़ी है सरकमस्टांसिस जिहनूं असीं हालात कह दिंदे आ उह अलाउ नहीं करते उहनां नूं कि उह थलड़े पद्धर दे उत्ते कम कर सकन, क्योंकि जिस बंदे ने जिंदगी दा वड्डा हिस्सा खेडां च लाया होवे, जिस बंदे ने वड्डा हिस्सा जिहड़ा हैगा मंच दे उत्ते लाया होवे, वह बंदा हुण आपां इस उम्र दे विच जाके कह दईए कि थले जाके कम कर लूए मुश्किल है। सो नवजोत सिद्धू मेरे ख्याल मुताबिक उहनूं सबर ही करना पैणा उड़ीकना पैणा है, तो मेरी समझ यह बनती है कि नवजोत सिद्धू नूं हाल की घड़ी कांग्रेस पार्टी च रहना चाहिए, उहदा फ्यूचर फिलहाल इत्थे ही है, और ये फ्यूचर जिहड़ा हैगा मतलब उदों तक तो है ही है। हुण जे आपां कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह 80 दे नेड़े पहुँच गए जी, 80 साल तक की उम्र हो गई, अगली बारी वो कहिंदे इलैक्शन की अगवाई मैं फिर करनी है, वो तो बाद उन्होंने अल्टीमेटली किसी वेल तां रिटायर होना पैंदा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं हुंदा जी। तो फिर जे हुण पंजाब की कांग्रेस के आप लीडर देखिए तो किहड़े लीडर है जी, जे किसी लीडर का मतलब जिन्हों आप कह सकते हैं कि जिहड़ा फलोटिंग वोट लै सकदा है, जिहड़ी डामाडोल वोट आ उहनूं खिच सकदा 2% 3% 4%, तां सिर्फ ते सिर्फ नवजोत सिद्धू है कांग्रेस पार्टी वाले पास, बाकी वोटों तक दोनों पार्टियां दी दोनों तिना पार्टियां दी सांझी वोट हुंदी है, पक्की वोट हुंदी है, फलोटिंग वोट ही जित हार दा फैसला करती है, और फलोटिंग वोट लैण दा समर्थ है नवजोत सिंह सिद्धू। सो मेरे ख्याल मुताबिक उन्हें कांग्रेस पार्टी च टिकना चाहिए, लेकिन कल की प्रैस कॉन्फ्रेंस तो पता लगता है कि हुण उहदे कोल स्कोप भी कोई नहीं रहेगा कांग्रेस पार्टी च। ढिल्लों साहब अज दीआं खबरां ते जो तुसीं व्याख्या कीती उस लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी, मेहरबानी। तो दोस्तों कल फिर
जो खबर बन गई चर्चा का विशा उन्होंने पुनछाण करांगे। तद तक लई देखते रहो अणखीला पंजाब। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।